वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है इनॉग्रेशन मिशन हेल्थ सेंटर का। मैं जानता हूँ पहले भी हो चुका है, लेकिन ये दूसरी बार है कि अब हम लोग ने मिशन हेल्थ सेंटर तिवारीगंज से क्या कहते हैं कुर्सी रोड पे शिफ्ट कर दिया है इंटरवल के पास। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इनके ऊपर बोर्ड लगा है, और फिर यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे ये लगा है, यहाँ पे लगा है, आप लोग देख सकते हैं। ये लगा है, पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये सारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी आता है मुझे पढ़ना। ओके, तो अभी यहाँ पे और ये साइन लगा है, और फिर यहाँ पे अभी ये सीढ़ियाँ। चलो चले यहाँ से, चलो भैया। तो अब तो यहाँ पे ये रहा ये, और यहाँ पे रिसेप्शन आप देख सकते हैं। ओ, और बाकी फिर वहाँ पे ये फार्मेसी। चलो बाकी फिर अब्बा का ऑफिस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये अब पीछे का ऑफिस वॉलपेपर, ये भाई बैठे हैं। हाँ दिखा दिया, हाँ दिखा दिया, हाँ दिखा दिया, हाँ दिखा दिया, हाँ दिखा दिया। तो और यहाँ पे ये कैमरा, बाकी बोला हाल है अब्बो अम्मा रखे हुए थे, तुम रखे हुए थे, मैं रखा हुआ था। तो चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे बीच में लाइट लगी है, एक फैन, हाँ यहाँ पे काउच है, और यहाँ पे अब ये जनरल वार्ड जनरल वाले यहाँ पे बेड्स पड़े हुए हैं। ये ऐसा ही थोड़ा सा सिमिलर फरुखाबाद में भी है, बाकी यहाँ पे ये। और बाकी अभी आप लोग दिखाता हूँ यहाँ पे पानी पीने का, और ये यहाँ पे है, और बाकी यहाँ पे है टॉयलेट। ओके, जिसपे दरवाजा ही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग को फिर इसको ऐसे करना होगा, ऐसे होना है, लेकिन उसमें दरवाजा तो होना चाहिए कम से कम। अब किसी को ना पता हो कोई वॉशरूम गया है वो ऐसे जाएगा। अभी यहाँ पे ये यहाँ पे पहले अभी ये हाँ ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन लिखा है थिएटर इस वाले दरवाजे के पीछे। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामान पड़ा है, बहुत गंदी ब्लड की स्मेल आ रही है सही बताओ तो, सॉरी। और बाकी यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर आपको ओपीटी में लगाना है तो आप ये दरवाजा खोलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी एसी वेसी लगा है, फैन लगा है, ये तीन ये है क्या, ये आईसीयू एसी इस पे लगा है, ओपीडी इस पे तो ओपीडी लिखा है, अच्छा आईसीयू है, अच्छा ठीक है, जो भी है वो है, बस मुझे तो इतना ही पता है। तो यहाँ पे ये है, तो चलो दरवाजा बंद करो और इधर चलो। हाँ लेबर रूम, शिट क्या क्या सामान पड़ा है यहाँ पे, किसको माल धार करनी है क्या, यहाँ पे क्या क्या सामान पड़ा है यहाँ पे, ये सोवर्णा बेबी लाइन,
अच्छा बेबी की लेंथ चेक करनी है, तो मैं भी एक बार इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ। तो यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे लिखा है पैथोलो, अच्छा ये पैथोलॉजी नहीं, ये ऑपरेशन थिएटर है। तो ऑपरेशन थिएटर है, इसको बोलते हैं लेबर रूम। नहीं नहीं, तो फिर यहाँ पे पैथोलॉजी क्यों लिखा है? आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए पैथोलॉजी लिखा है यहाँ पे, क्यों लिखा है? फिर पैथोलॉजी लगा दिया है ना, मतलब लेबर रूम है ये, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये नॉर्मल डिलीवरी लेबर रूम है, ये ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है। इसको देख लीजिए गाइस, ये हमारा बच्चा बहुत शरारती है गाइस। अरे तो बस इतना ही है, ताकि आप लोगों को, और हाँ एक और चीज, अगर नहीं, अगर हॉस्पिटल चलता है तो मैं अब्बा से कहूंगा कि इसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर भी है, तो अब्बा वो भी खरीदे और बाद में ये लिफ्ट भी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो गाइस हम लोगों को वेट करना है टिल अभी लाइक क्यों जल रही है, ओ लगा है। तो मैं कह रहा हूँ हम लोग को वेट करना है टिल इफा साद रिफापी ये सब लोग आए, वो लोग भी आएंगे इनॉग्रेशन के लिए, बाकी मेरे चाचा शायद हैं वो भी आ सकते हैं, बाकी काश दादी भी आती और चाचू, लेकिन वो लोग हज करने गए हैं, मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना था। मैं जानता हूँ कि हज बच्चे नहीं कर सकते, उम्रा ही करा देते पापा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बलून फूटा, मैं डर गया एकदम से। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो हम लोग वेट करते हैं जब तक वो लोग आएंगे, चलो चलो। तो गाइस अब इफा भी बाय, अरे और इफा आ चुके हैं, बाकी सब घर है, अरे भी आ चुके हैं। हाय हाय कहिए हाय। तो गाइस बाहर का, तो गाइस बाहर का माहौल कुछ ऐसा लगता है, अभी बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं और यहाँ से कुछ ऐसा है बाहर का, अभी रिबन कटने वाला है इस रिबन की, तो और अंदर से कुछ ऐसा है अपना हॉस्पिटल फार्मेसी है, और वहाँ पे ये रिसेप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब रिबन कटने वाले हैं, तो आप सब लोग बाहर चले। मुझे मेरे मुझे तो मुझे नहीं बांधती, मुझे 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 है मुझे, बस 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 रिबन कट जाए, इफा छो ना। ओ यहाँ पे अब रिबन कटने वाला है अपने नए हॉस्पिटल का, मतलब इनॉग्रेशन ऑफ न्यू, आई मीन न्यू हॉस्पिटल मिशन हेल्थ सेंटर, उसको न्यू नहीं, हमने उसको चेंज कर दिया है। सब लोग उधर जाएं, सब लोग, मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे काटने का कार्यक्रम, सब लोग जाएं। तो यहाँ पे काती 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 काते काड़ी, यहाँ पे अप्पू की खुशी, चाची अम्मी सब लोग यहाँ पे आए हुए, अंदर लेके चल के दुआ ले लो, बहुत ही बहुत अच्छा आपको, और नाइस आपको, सबको अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब लोग बात क्या है, सब अच्छा लग रहा है, कोई बढ़िया माशाल्लाह कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग बढ़िया अच्छा लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं, सब लोग अंदर चलते हैं, आपको आता भी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मैं इनकी दाढ़ी छूऊंगा, अरे दाढ़ी छूऊंगा। अब यहाँ पे अंदर है अब्बा और अब्बा,
और अपा का ऑफिस कुछ ऐसा बना हुआ है। अपा का ऑफिस यहाँ से देख सकते हैं, अपा का ऑफिस कुछ ऐसा है। कैसा लग रहा है? अरे मुझे कैसा लग रहा है? अरे रिव्यू लेना है अब्बा, कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग बेटर, क्या कहना है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बाहर तो एकदम पूरा दुआ करें ये अस्पताल खूब चले, खूब तरक्की करे, जो यहाँ पेशेंट आए उसको शिफा मिले, तो यहाँ से ठीक हो गए जाए, ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगा। चलो एक सेकंड, पहले आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमसे ज्यादा खुशी किसको होगी बेटा? लग तो नहीं रही है आपको, दुख बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको दुख बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको दुख हो रहा है बेटा, ये थकावट भी है। तो यहाँ पे बाहर सब लोग ऐसे खड़े हुए हैं, उधर जनरल वार्ड भी है, यहाँ पे बाहर साथ ने वजन मार दिया है, उधर करण भैया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल वार्ड कुछ ऐसा, वहाँ चलते हैं, वहाँ सबसे रिव्यू पूछते हैं। पप्पा पप्पा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? साध साध आपको कैसा लग रहा है? हरीश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अंदर पूछ, अप्पो अप्पो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सब अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या बहुत अच्छा लग रहा है? एक सेकंड, आपको कैसा लग रहा है? अरे रिव्यू तो बताइए यार, अरे बताएंगी, आपको कैसा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है, किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा है, मैं बता नहीं सकता। उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया है। और एक से एक से एक से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अति अति अच्छा, अति अच्छा नहीं है, अति सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा, वाह। अब मैं आपको बाहर से लोग दिखाऊंगा कैसा लग रहा अपना हॉस्पिटल, चलो चलते हैं। क्या हुआ? मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। एक सेकंड, आपको कैसा लगा है? एकदम मस्त, एकदम परफेक्ट। ये इनका अलग आंसर था, वरना सबका एक ही था कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, रीजन तो बताओ क्या अच्छा लग रहा है? ये कहो ना, हॉस्पिटल खुल गया, ये सब कुछ, ये रीजन होना चाहिए, ये रीजन नहीं होता अच्छा लग रहा है। चलो अब बस आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो एक्चुअली गाइस हम लोग, मैं बना नहीं पाया था बाहर का, क्योंकि क्या कहते हैं हीट बहुत गर्मी हो गई थी, तो अब मैं आपको बनाऊंगा। अब शाम हो गई है, एक से ऊपर खा जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे उधर जाए, उधर तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग यहीं पे हैं। अंदर बहुत गर्मी हो रही है, लाइट चली गई है पता नहीं कैसे। अब आपको बाहर से व्यू दिखाया अपना हॉस्पिटल, देखिए अपना हॉस्पिटल ये लगवाया था खाने पीने के लिए ये, लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। और अपना हॉस्पिटल कुछ ऐसा लग रहा है, ये सब अपना हॉस्पिटल है पूरा, यहाँ पे लिफ्ट भी लगेगी, और ये यहाँ पे मिशन हेल्थ सेंटर, यहाँ पे बोर्ड लगा है, ऊपर भी लगा बोर्ड। अपनी गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस है, अंदर भी बोर्ड लगे हैं, आप ये सब लोग बैठे हैं। अब मैं आपको पूरा अंदर से दिखा दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे भी लगा है मिशन हेल्थ सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा ऊपर, सीधे से चलो। अब यहाँ पे आ गए हम लोग हॉस्पिटल, फोर्थ फ्लोर, यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पे गेट है,
जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पता लगेंगे, और यहाँ से जैसे घुसेंगे यहाँ पे फार्मेसी है और उधर है रिसेप्शन। आपको एक बार व्यू दिखा दूँ। अरे भैया क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे है ओपीडी, मतलब ओपीडी 2 जो ओपन है, और यहाँ पे ओपीडी 2 है, यह खाली है। और अब वो है, ये है ऑफिस अब्बा का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब्बा का ऑफिस कुछ ऐसा है। हाँ तो यहाँ पे ये है अब्बा का ऑफिस अंदर से, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे है प्राइवेट रूम, यहाँ पे बीच में खिला गया, ये है प्राइवेट रूम, ये दोनों, ये प्राइवेट रूम 1 है और ये है प्राइवेट रूम। हाँ तो यहाँ पे प्राइवेट रूम 2 है, अंदर से मैं आपको जल्दी से दिखा दिया, वो भी बहुत जल्दी हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे खाना का, यहाँ पे ये है प्राइवेट रूम 2, हाँ प्राइवेट रूम 2, और यहीं पे जस्ट इसका ऑपोजिट यहाँ पे प्राइवेट रूम 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ खाना वाना कुछ नहीं रखा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जनरल वार्ड, ये ओटी है, यहाँ पे जनरल वार्ड, यहाँ पे पेशेंट वेशेंट सब लोग, यहाँ पे जनरल वार्ड है, ये है ओटी अपना। यहाँ पे खोलेंगे तो इसका खोल लेते हैं, अरे ये वाला, हाँ ये है अपना ओटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं पे बगल में ये है आईसीयू, आपको आईसीयू भी दिखा दो, कुछ आईसीयू अपना ऐसा है, पुराने जैसा ही है लेकिन उससे और ज्यादा अच्छा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे है अपना डिलीवरी, जहाँ पे बच्चों की, ये अपना डिलीवरी जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी होती है। कोई ऐसा ऊपर तो नहीं, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सामान, ये वेइंग मशीन है, अरे ये वेइंग मशीन है, बच्चों की तवेद है। यहाँ पे बोलो बोलो कि इसको इग्नोर करिए, अब मैं आपको दिखा रहा कुछ नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे बंद, अरे इसको स्लाइस नहीं है, ये स्लाइड नहीं है। हाँ तो बस इतना ही था अपना। हाँ और मैं आपको एक चीज बताना भूलिया, ये है गेट, और ये क्या कहते हैं जहाँ पे डिलीवरी होगी वहाँ से भी गेट है, और ये है एग्जिट, एग्जिट यहाँ से फायर ब्रिगेड कुछ भी लगेगी तो यहाँ से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ से भी अभी बन रहा है, यहाँ पे लिफ्ट वेव लगेगी। यहाँ पे है वॉशरूम, हमें दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पे अंदर वॉशरूम, टीवी लगी हुई है कुछ ऐसा है। मैं आपको भक्ति जा, अब आप देखे हॉल का कुछ ऐसा व्यू है, ऐसा व्यू आ रहा है। तो इतना है अपना हॉस्पिटल, यहाँ पे सोफा लगे हैं, वहाँ पे सिलेंडर का है। अब हाँ तो ये है अपना हॉस्पिटल, यहाँ पे है अब्बा ऑफिस, फार्मेसी, रिसेप्शन। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो यहाँ से एक वे आता है, यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक, नीचे गोदाम है इसके नीचे, वहाँ पे भी अपने सारा सामान रखा है। ये यहाँ से स्टेयर्स है थर्ड फ्लोर, हाँ तो यहाँ से सेकंड फ्लोर की जाती है, ये है फर्स्ट फ्लोर अपना हॉस्पिटल वाला एरिया। और अब आपको दिखाई दे रहा, ये देखिए यहाँ पे ये सब गोदाम है, यहाँ पे भी अपने सामान रखा हुआ है, ये अपनी एम्बुलेंस है। और हाँ तो यहाँ का बाहर, तो यहाँ का बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे अपना हॉस्पिटल का बोर्ड, पैनल जो भी कहते हो वो लगा है, बोर्ड लगा है ऐसे। तो अब यहाँ पे सारी गाड़ी जाने, सामने कुछ ऐसा वर्किंग प्लेस है, यहाँ पे एक शॉप है, वो बगल में एक शॉप है, वहाँ से मोटरसाइकिल लगी है इसकी, ऐसी की तैसी। और हाँ तो ये है अपना हॉस्पिटल, आप लोग देख सकते हैं, और दिखा दिया इसका पूरा व्यू तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अपना हॉस्पिटल कुछ ऐसा है। यस और गाइस अब हम लोग थोड़ी देर में अब्बा जाएंगे, ये पवन चाचा अब्बा के दोस्त, और थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे क्या कहते हैं घर। अभी हाथ और हारिस पप्पा के साथ कहीं आगे इंटीग्रल जो भी वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गए हैं, और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे बोला निकलेंगे। तो फिर अब क्या करना है, बैठे आएंगे बाहर, बस हवा कहेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, तो ओवर हीट की वजह से फोन भी काम नहीं कर रहा सही से, एसी आपको तो पता ही, न्यूज फैल रही है भाई, एसी ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ डर लग रहा है बस, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। तो अभी हम बाहर बैठे हैं, अभी शाम को मौसम हो रहा है, बस जाएंगे।